ईरान कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के हवाले से एक न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान 100 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों के जरिए एक साथ हमले की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी को फोन लगाकर सुलह की कोशिश कर रहा है। इन सब के बावजूद अगर ईरान ने पलटवार किया तो इसराइल को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। ईरान इसराइल के बीच ये हालात कैसे बने? अब जंग लड़ने की तैयारी कर रही है, दोनों देश कभी दोस्त होते थे, फिर दुश्मन कैसे बने? चलिए सनसुने किस्से के बारे में हम आपको थोड़ा करीब से बताते हैं। ईरान और इसराइल लंबे वक्त से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों के जरिए इसराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता है। वहीं इसराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्ला या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इसराइली सेना के एयर स्ट्राइक इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा था। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए। इसके बाद ईरान ने इसराइल से बदला लेने की धमकी दी। साल 1948 मिडिल ईस्ट में फलस्तीन की जगह पर इसराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता देने से मना किया। इस वक्त तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1948 में उसे देश के तौर पर स्वीकार किया। कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर इसराइल से दोस्ती का इजहार नहीं किया, सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। दोनों में नजदीकियां तब और बढ़ गईं जब एक अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन में ईरान ने अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। दरअसल 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपना 6ठा गणतंत्र दिवस मना रहा था तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। इस काम को अंजाम दे रहा था ईरानी सेना का जनरल फजलुल्लाह जाहेदी। खुफिया एजेंसी से इस तख्तापलट की जानकारी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मोसादेक अलर्ट हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जैसे ईरानी सेना आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगी, जनरल फजलुल्लाह जाहेदी देश छोड़कर भाग गए। इस घटना के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से एक मैसेज ईरान में अपने ऑफिसर को भेजा जाता है। इसमें लिखा था, ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा ऑपरेशन विफल रहा, अब हमें इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से बचना चाहिए। ईरान में मौजूद CIA के अधिकारियों के पास अब 2 रास्ते बचे थे। एक तो ये कि वो जान बचाकर वापस लौटें, या फिर ईरान की सरकार को गिराने के लिए अगले ऑपरेशन की तैयारी करें। बताया जाता है कि दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। जब दोनों देशों में दोस्ती इतनी अच्छी थी तो फिर दुश्मनी कैसे हुई, उस पर भी नजर डालते हैं। इसका जवाब है साल 1979 की इस्लामिक क्रांति। दरअसल साल 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अगिन्यू के अलावा सोवियत संघ समेत कई देशों के बड़े नेता आए। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने शैतानों की पार्टी कहकर इसकी आलोचना की। शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनका मानना था कि शाह परिवार अमेरिका के हित में फैसला लेता है। खुमैनी के इशारे पर ईरान में शाह के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। जल्द ईरान के आम लोग इस आंदोलन से जुड़े और इसने इस्लामिक क्रांति का रूप लिया। दिलचस्प बात यह थी कि जिस खुमैनी ने शाह परिवार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया वो खुद ईरान में नहीं थे। 1964 में ईरान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग पर शाह ने खुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस वजह से इस्लामिक क्रांति की शुरुआत उन्होंने इराक में रहकर की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने तेहरान के शाहयार चौक पर जमा हुए। इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देख सेना के उन पर कार्रवाई से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि शाह रजा पहलवी देश छोड़ भागने के लिए मजबूर हुआ। अप्रैल 1979 में खुमैनी वापस देश लौटे और ईरान को इस्लामिक देश घोषित किया। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हुआ। आयतुल्ला रोहल्ला खुमैनी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार ने इसराइल के साथ सभी संबंध तोड़े। देश लौटने के बाद खुमैनी ने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये देश फिलिस्तीन में रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करेंगे। इसके आगे खुमैनी ने कहा, अमेरिका बड़ा शैतान और इसराइल छोटा शैतान है। इस्लामिक क्रांति के बाद 1948 से दोस्त रहे दोनों देशों के लोग अब एक दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच एयर रूट को बंद किया गया। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में भी बदल दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।